गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बच्चों के लिए चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया गया। एक तरफ जहां पूरे देश में धूमधाम से 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, वहीं पालघर जिले का एक पिछड़ा क्षेत्र नालासोपारा, जो कि झुग्गी झोपड़ियों से भरा हुआ है। कहने को तो ये क्षेत्र वसई विरार महानगर पालिका के अधीन है, परंतु आज भी यहाँ न ठीक से सड़कें पहुँची और न ही गटर। पीने के पानी के लिए भी लोगों को टैंकर लॉबी और बोतलों का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। इसी क्षेत्र में एक संस्था है जिसका नाम है ममता चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि बच्चों की प्रतिभा को उभारने का काम कर रही है। संस्था के संस्थापक ओम प्रकाश विश्वकर्मा, जो कि खुद एक मध्यम वर्ग से हैं, इसके बावजूद भी समाज सेवा के प्रति उनका लगाव दर्शाता है कि समाज सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि आप अमीर हों। वहीं गणतंत्र दिवस के पावन पर्वों पर नालासोपारा के शर्मावाड़ी में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसके पश्चात छात्रों की प्रतिभा को निखारते हुए चित्रकला स्पर्धा रखी गई, जिसमें 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमांक आने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया गया। वहीं इस मौके पर आयोजकों ने मीडिया को जानकारी दी। आज जो कार्यक्रम यहाँ का आयोजित किया गया है, क्या है ये? छोटे बच्चों के लिए एक ड्राइंग चित्रकला कंपटीशन है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए सब किया गया है कि ताकि, और इसमें बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं जो मतलब कि किसी प्रसिद्धवश नहीं कुछ कर पाते हैं, तो उन लोग को ये लेके कर रहे हैं सर। किस संस्था के माध्यम से ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से किस किस तरह के और कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? ये बच्चों को स्टेशनरी सामग्री और भी कुछ है, कपड़े वगैरह वाटप का ये भी चल रहा है, तो इसी तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। सर जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो जैसे कि ये आम बच्चे, मतलब जिसको गरीब, जो जिसको कुछ आगे तरक्की किया नहीं, मतलब प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो उसको अपने ये माध्यम से, मतलब ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ये माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया जाता है। क्या कहना चाहोगे जो आज कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है? सर्वप्रथम आज प्रजासत्ताक दिन है, गणतंत्र दिन के ऊपर मैं सबको बधाई देता हूँ। और आज जो ममता चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम अरेंज किया है यहाँ पर, और मैं इनके माध्यम से जो जो यहाँ पे कार्यकर्ता है उनको बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है और इसी हिसाब से आगे करते रहे, ये बोलता हूँ। मेरी तरफ से सभी गणतंत्र दिवस के लिए बधाइयाँ। मैं भी एक टीचर हूँ और बच्चे जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। और यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है, तो पेरेंट्स आजकल ज़्यादा करके पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं, तो इन्होंने जो रखा कंपटीशन बहुत अच्छा किया, क्योंकि इससे मालूम पड़ता है किसकी रुचि कितनी पेंटिंग में है। और ड्राइंग अच्छी चीज़ है, ऐसी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, पर आजकल पेरेंट्स पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो ममता चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कंपटीशन रखा और बच्चों का प्रोत्साहित बढ़ाया। अब बच्चे अगर ऐसे करेंगे तो पेरेंट्स को भी मालूम पड़ेगा कि हमारे बच्चों को ड्राइंग में इंटरेस्टिंग है, और पेरेंट्स भी उनको कुछ करेंगे। और जो बच्चे असहाय हैं, जिसका नहीं कुछ हो पा रहा है, तो ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने उनका साथ दिया और सहयोग किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, धन्यवाद। जो अच्छा काम करते हैं उन पर कमी निकालने से अच्छा है कि जो भी देखा देखी अच्छा काम करें और उनका साथ दें, ताकि बहुत जितने भी ज़रूरतमंदों को उनकी मदद हो सके, आगे चल के सबको मदद मिल सके। अच्छा काम कर रहे हैं क्या, और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग उनको सपोर्ट करें कि वो आगे, और बहुत से बच्चों को प्रोत्साहन मिले। हम चाहते हैं कि इससे भी आगे कार्यक्रम रखा जाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। बच्चों के अंदर जो कला रहती है उसको बाहर निकालने का बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है, ताकि बच्चे आगे कामयाब हो सके। बहुत अच्छा काम कर रहे लोग, हम भी इनके साथ ऐसे ही, मैं खुद एक समाज सेवक का काम करता हूँ, मैं भी बच्चों के ग्रोथ के लिए काम करता हूँ, तो बहुत अच्छा काम कर रहे लोग। मेरे पापा जी ने मतलब ये कार्यक्रम किया है, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि वो मतलब इतने कम पढ़े लिखे हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम करने का क्षमता रखते हैं, और बहुत कुछ करना चाहते हैं वो बच्चों के लिए, कि मैं जितना हो सका उतना हेल्प करूँ सबका, बहुत कुछ चाहते हैं, तो मैं उनका फुल सपोर्ट करना चाहती हूँ, और मुझे बहुत कुछ सपोर्ट किया उन्होंने।
आपको बता दें कि बच्चों की स्पर्धा किसी हॉल में नहीं बल्कि उनकी गली में रखी गई और ऊपर छत भी नहीं थी। परंतु बच्चों की प्रतिभा न धूप देखती है न छांव, उन्हें तो अपने हुनर दिखाने का एक मंच मिलना चाहिए, जो कि ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने उनके हुनर को समझा। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।